हेलो नमस्ते कैम जो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो मैं RX100 के रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब दूंगा विद माय मैकेनिक अनवर भाई। सो एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम एट अनवर भाई गैराज। सो RX के अंदर बहुत सारा कुछ इश्यू था, सो आई थॉट के एक बार गिव अ ट्राई और वहाँ से कुछ अच्छी टिप्स भी ले लेते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव अ यामा RX100, वॉच दिस वीडियो, दिस टिप्स विल बी वेरी यूजफुल टू यू। आप कितने टाइम से RX100 सर्विस करते हैं? RX सीरीज की बाइक है। 25 ईयर्स। तो आप जब से सर्विस करो तब तो RX100 नहीं मिलती होगी ना एट दैट टाइम? स्टार्टिंग में नया चलता था जब आप थे, मतलब वारंटी के अंदर या जब नई बाइक मिलती थी तो कस्टमर आपके पास नहीं लेकर आते थे? हमारा ऑथराइज पॉइंटर है सेतल वार्ड, केयर ऑफ सेतल वार्ड। अच्छा, सेतल वार्ड ब्रदर्स। अच्छा, वो लक्की के सामने था? वो लक्की के सामने था। अच्छा, वो लक्की वो सबसे पुराना है? वो सबसे पुराना था। अच्छा, वहाँ पर RX100 वो सब RX Z वो सारी बिकती थी? टोटल ऑथराइज था वो यहाँ पर, वहाँ पर थे। अच्छा, सो इट्स बीन 25 ईयर्स ही सर्विसिंग यामा RX100 और एनी टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक एक्टिवा, कुछ भी सर्विस करते हैं। बट RX सीरीज के काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, ही इज ऑथराइज सर्विस सेंटर के अंदर। 15 ईयर्स यू हैड वर्क विद यामा। 15 साल इन्होंने सिर्फ यामा ऑथराइज सर्विस सेंटर के अंदर काम किया है। देन ही स्टार्टेड, फिर उसके बाद अपने खुद का खोला क्या? 15 साल के बाद ही इज मैकेनिक सिंस 25 ईयर्स, सॉरी 25 साल से ही इज सर्विसिंग एंड ही इज वेरी मच फेमिलियर ऑफ एनी काइंड ऑफ मोटरसाइकिल और एनी एक्टिवा, गियरलेस मोपेड, एनी बाइक सर्विस वगैरह वो सब करता है। मैं लोकेशन तो मैं एक बार डाल दूंगा प्रॉपरली, प्रॉपर बता के। इट्स नियर लाइफ लाइन स्कूल चंडोड़ा, करेक्ट? दानी लिमड़ा। ओके, RX100 के अंदर लाइक मोस्टली कौन सा प्रॉब्लम आता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? पिस्टन लूज पड़ना या क्लच का ऑयल बिना चलती है, उसके हिसाब से पिस्टन वॉच का तो लूज पड़ जाता। थोड़ा और टेक्निकल बात करें तो कौन से साइज का पिस्टन सबसे बेस्ट है चलाने के लिए बाइक? स्टैंडर्ड साइज। अगर स्लू मार के कोई अगर स्टैंडर्ड साइज इंस्टॉल करता है तो स्लू भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत यूज़ किया है, बहुत चेंज किया है, स्लू के अंदर कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो स्लू के अंदर भी आप बोल रहे हो स्लू के अंदर चलाना कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्लू चलता है इसके अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, तो बहुत सी गाड़ियों में चेंज किया हुआ है, बहुत सी गाड़ियों में डाला हुआ है। अच्छा, अभी किट तो इसकी पॉसिबल है नहीं, अभी रेट बहुत हाई है। अच्छा, 900 किट 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं? 10-12 10,000 के आसपास। तो RX100 का पिस्टन ब्लॉक का किट मिलता है 10,000 रुपये का राइट नाउ। वो पहले कितने का मिलता था अनवर भाई, आप जब थे उस टाइम? 2400 रुपये का। 2400 रुपये और अभी 10,000 रुपये है। कॉस्ट रेयर हो गई, काफ़ी कम है, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है आई गेस। स्टार्टिंग में 94-95। ओके, 2400 रुपये किट का होगा। 2400 प्राइस था उसका पिस्टन सिलेंडर किट, पर एनी टाइम अवेलेबल था। अच्छा, अवेलेबल था स्टॉक में? स्टॉक में रहता। अभी तो मिलना भी मुश्किल है और प्राइस भी 10-12 हज़ार। पहले प्राइस भी कम था, मिल जा रहा था, इसलिए मिल जा रहा था। अच्छा, वो सब जापान थे? इंडियन? इंडियन इंडियन मैन्युफैक्चरर सब इंडिया। फरीदाबाद? फरीदाबाद फरीदाबाद तो मैन्युफैक्चर इसका प्लान है, अभी भी वही है, अभी भी वहीं पर है। स्टार्टिंग में 86-87 की जो RX100 गाड़ी आती थी वो जापान, वो जापान पर भी जो जापान आता था उसके अंदर। अच्छा, और उसके साइड के जो पड़के होते थे उसके अंदर उसके ऊपर भी मेड इन जापान लिखा हुआ, मेड इन जापान लिखा हुआ था। अच्छा, और अंदर जो एल्युमिनियम कवर आते थे उसके अंदर भी आप पीछे टर्न करके देखो उसके ऊपर तो जापान लिखा हुआ था। हमारा नहीं है जापान में, नहीं ये इंडियन। अच्छा, इंडिया से है, इंडियन है, कोई बात नहीं, पर जापान मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं अभी अभी गाड़ियाँ हो तो वो उसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है अगर जापान, अगर आपको मिल भी जाती है सेकेंड हैंड तो। अभी दूसरी बात ये बताओ कि अगर कोई बंदा RX100 परचेज करने का सोच रहा है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखे परचेज करने से पहले, अभी 2018 के अंदर? उसको ये चाहिए फर्स्ट कंडीशन उसकी इंजन कंडीशन कैसी है, बाकी एक्सटर्नल कुछ भी हो चाहे बताओ, बाकी सब मिल जाता है, मेन इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। इंजन कंडीशन देखना है, इंजन पर डिपेंड, इंजन को कैसे उसको चेक करो, स्टार्ट करके चेक करो उसमें से पिस्टन का साउंड तो नहीं आ रहा है, क्लच का मूवमेंट सही है कि नहीं है। अच्छा, क्लच गाड़ी स्टार्ट करके आप देख सकते हो क्लच का मूवमेंट किस तरह है,
गाड़ी रिस्टोर नहीं होती कनेक्शन। अच्छा, क्लच दबाने के बाद ऑटोमेटिक आरपीएम बढ़ नहीं जा रहा है? बढ़ तो नहीं रहा है। अच्छा, तो गाड़ी की पिकअप दे रही है कि नहीं ले आ रहे हैं पिस्टन गाड़ी के अंदर पिकअप है? तो चलाने के बाद ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें कि अगर आप गाड़ी यूज़ करके देख सकते हो, चलाकर देख सकते हो। ओके, दब नहीं रही है गाड़ी, पिस्टन का आवाज़ नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें बेसिक आपको ध्यान में रखनी। अगर कोई बंदा काफ़ी लोगों को ऐसे डाउट रहते हैं कि कौन से नंबर वाला पिस्टन है, लेने से पहले कैसे पता चलेगा? तो ये तो जब तक खुलेगा नहीं जब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर बाहर से बाहरी कंडीशन में कुछ पता नहीं चलेगा क्या कंडीशन है क्या नहीं। तो बाहर से पता नहीं चलता है कि इंजन के अंदर कौन सा पिस्टन है, फिटिंग हो रहा है उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या, वो उसको पता चलेगा क्या डीजल लगा हुआ है अंदर? बाहर से पूरा पैक होता है। हाँ, ये फिटिंग के ऊपर पता चल जाता है कि रीफिटिंग गाड़ी है कि इंजन बना हुआ है खुला हुआ है खुला हुआ है। कुछ बंदे ऐसे भी हैं ना जो काम करते हैं उनको पता नहीं है टेक्निक के हिसाब से किस तरह क्या होता है, वो अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ गास्केट यूज़ करते हैं पैकिंग के अंदर, गास्केट यूज़ करते हैं। तो गास्केट यूज़ करना नहीं चाहिए, गास्केट यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर गास्केट का यूज़ होगा तो स्टार्टिंग कंपनी से आता है, लेकिन कंपनी से कभी कोई भी अंदर कोई भी पार्ट्स के अंदर गास्केट का यूज़ नहीं है। कंपनी में जितनी भी फिटिंग गाड़ी होती है कंपनी से, कभी कोई क्लच का पैकिंग के अंदर या हेड के पैकिंग के अंदर या कोई भी ऑयल सील जो वगैरह आते हैं उसके उसके अंदर किसी के भी अंदर कोई गास्केट लगा हुआ नहीं होता था, ओनली ऑयल सील। अच्छा, ऑयल सील लगा हुआ है, गास्केट वास्केट नहीं भी आते थे, ऑयल सील होते थे, पैकिंग होते थे, पैकिंग के सिवा किसी में कोई गास्केट लगा हुआ नहीं होता। और जो आजकल के जो नए मैकेनिक हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी कैसे वो लोग एक्सपीरियंस नहीं होता है तो कुछ भी एक्सपीरियंस होता नहीं है। जो लोग स्कूटर का काम करे वो तो उनको पता है, उन्होंने उसको पैकिंग लगाया और बॉन्ड वगैरह बहुत से प्रोडक्ट्स हैं उसको उसको चिपका देते हैं उसके ऊपर पैकिंग के। अच्छा, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए, ये है नहीं। अगर एक अच्छा आर एक्स हंड्रेड को मेंटेन रखना है तो प्रियोनिक सर्विस के अंदर क्या क्या देखना है? सर्विस के अंदर भी अगर आप क्लच ब्रेक चेन लुब्रिकेट चेन कार्बोरेटर के लिए कार्बोरेटर के लिए प्लग के लिए प्लग के लिए एंड एयर फिल्टर के लिए एंड एयर फिल्टर के लिए और ऑयल पम्प सर्विसिंग उसका ऑयल पम्प सर्विसिंग रेगुलर कंटिन्यू मिलता है कि नहीं मिलता है उसको उसको चेक कर लेना उसको चेक कर लेना। तो आपके पास भी आर एक्स हंड्रेड है ना? कौन सा मॉडल है आपका? 95 दिस इज 94। आप आर एक्स हंड्रेड कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो? लगभग 12 ईयर। अच्छा, 12 साल हो गया आपको आर एक्स हंड्रेड। सो इनकी है 95 मॉडल, आपका तो एकदम क्लीन है पूरा बाइक, हमारे जैसा ऑयल वॉयल नहीं लेकर लाइक ऑयल नहीं निकलता हमारे जैसे, आपका खुद का है तो एकदम मेंटेन है आपका, पूरा क्लीन है। हमारा कुछ टाइम के अंदर यहाँ से लीक होना चालू, यहाँ से लीक होना चालू। तो आपने इंजन कब लास्ट बनाया था? 206। ओके, 2006 में बनाया था, तब से चलता ही आ रहा है। सही है, वो तो डिपेंड भी रहता है ना आप कैसे बाइक को राइड करते हैं। अगर आप घिसते ही रहते हो तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा लंबी लंबी। रेगुलर सर्विस टाइम तो रेगुलर टाइम को उसका सर्विस होता है। कितने टाइम पे रेगुलर सर्विस कराना चाहिए, कितने थाउजेंड पर? मीन्स टू थ्री मंथ। एवरेज किलोमीटर कितने आस पास? तीन चार हज़ार के आसपास इसका पीरियडिक सर्विस टाइम है। तो 3-4 हज़ार किलोमीटर के बाद इसको सर्विस कराना रिकमेंड करता है मैकेनिक हमारे। अगर किसी की गाड़ी अगर चालू रास्ते के अंदर बंद हो जाए तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, किस वजह से बंद हो गई हो? मीन्स ऑयल का नहीं होना, ऑयल भी नहीं होता है बाइक के अंदर, ऑयल ख़त्म हो जाता है, लूज पड़ जाता है, पिस्टन गर्म होने के बाद वो पकड़ जाता है, सीज हो जाएगा, ऑयल नहीं मिलेगा तो पिस्टन सीज जाएगा, पिस्टन सीज जाएगा तो गाड़ी लॉक हो जाती है। अच्छा, या मे बी प्लग का शॉर्ट होना। अच्छा, प्लग के ऊपर ऑयल आया था, प्लग शॉर्ट हो जाता है। तो प्लग का शॉर्ट होना या फिर ऑयल ना प्रॉपर हो तो वो इंजन का पिस्टन सीज हो जाता है। देर इज़ टू पॉसिबिलिटीज़, अगर आपकी बाइक चालू के अंदर बंद हो गई है कहीं बीच रास्ते में तो दिस वॉट इज़ द कॉज, आप ये चेक कर लें कि आपका प्लग है जो शॉर्ट ना हो गया हो, उसको आप पेट्रोल से क्लीन कर सकते हो। अच्छा, विच आप पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हो प्लग को, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ एक्स्ट्रा स्पेयर प्लग भी अपने पास रख सकते हैं। स्पेयर प्लग रख सकते हैं, अगर अभी कोई टेम्परेरी नहीं है तो टेम्परेरी आप उसको चालू पेट्रोल खोल के प्लग को उसको और पेट्रोल धोकर क्लीन कर सकते हो, क्लीन हो जाएगा गाड़ी आपकी चालू हो जाएगी।
अगर आप ये रास्ते में हो, अच्छा रास्ते में अगर कहीं ख़त्म लाइक बाइक बंद हो गया हो तो वो प्लग को निकाल के पेट्रोल से क्लीन करके आप एक बार यू कैन गिव अ ट्राई। अगर उससे भी नहीं होता है तो यू हैव टू गेट अ न्यू प्लग। दोनों कम लगते हैं, आगे तो मैं एक दो बार हाथ से किया फिर हो गया था दो तीन बार। तो लाइनर का टाइम स्पम कितना होता है, लाइनर कितना टाइम चलता है? यूज़ करने के ऊपर डिपेंड, ना डिपेंड यूज़ जितना आप यूज़ करोगे इतना लाइनर। भाई ऐसा एवरेज कोई बंदा अगर 60-70 की स्पीड से चला रहा है और काफ़ी इज्जत से चला रहा है तो कितना चलेगा? 6-7 महीने चल रहा है। सो लाइनर का रफली टाइम स्पेन है 6-7 महीना, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड योर बाइक। अगर आप एक्सेस ब्रेक वगैरह मारते हो काफ़ी ज़्यादा सो वो वॉर्न आउट हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर भी ख़त्म हो सकता है। दिस पार्ट ऑफ द कार्बोरेटर विच कंट्रोल द फ्रूट पिन। फ्रूट इसका फ्लूट फ्लूट ओके। दिस इज द मेन पार्ट हु कंट्रोल द फ्यूल एंड द एडजस्टमेंट पेट्रोल एडजस्टमेंट ओके विच एडजस्ट द पेट्रोल लेवल। ये पोर्शन पे रहना चाहिए। अच्छा कितना वर्किंग में ज़्यादा होगा तो पेट्रोल का फ्लो ज़्यादा रहेगा। इट्स मेड इन इंडिया ओनली, मेड इन कार्बोरेटर अपना मेड इन इंडिया ही है ना? इंडिया है। अच्छा ये है यहाँ तक, ये इतना मीन्स इतना कार्बोरेटर में पेट्रोल रहना चाहिए कंडीशन के। अच्छा ज़्यादा ज़्यादा होगा तो पेट्रोल ओवर फ्लो करेगी। इतना इतना रहना चाहिए पेट्रोल अपने उतरता है कार्बोरेटर के अंदर, तो ये पोजीशन में यहाँ तक रहना चाहिए। पेट्रोल जो भी कार्बोरेटर के अंदर आता है वो इसके अंदर जमा इसके अंदर रहता है, इसके अंदर नहीं रहता है। इसमें से फ्लो होता है यहाँ से, ये यहाँ इसकी नोजल है, यहाँ से फ्लो होगा तो नीचे उतरेगा, ये नीचे आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा तो नीचे आएगा, यहाँ नीचे से पेट्रोल नीचे जब ऊपर से नीचे आएगा ये फ्लूड के अंदर यहाँ से ये पिन में से। अच्छा यहाँ से आएगा, अब जब इसका लेवल पेट्रोल का इतना हो जाएगा तो इसको बंद करता है ऊपर। अच्छा। जाके तो पेट्रोल का स्टॉप हो जाएगा, ये यहाँ पर आगे स्टॉप कर देता है पेट्रोल। तो पेट्रोल आगे से लेगा ही नहीं, वो ऊपर से नहीं आएगा। जब तक इसके अंदर कम नहीं होगा पेट्रोल यूज़ होएगा तो ये नीचे डाउन हो जाएगा, ये पोजिशन इसकी नीचे डाउन हो जाएगी। तो पेट्रोल का लेवल पूरा हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो पेट्रोल की जो कंडीशन है ये पिन ये ऊपर वाली ये बंद हो जाएगी, तो पेट्रोल का फ्लो बंद हो जाएगा चैम्बर के अंदर। अच्छा फिर ऊपर 115 पायलट जेट 115 नंबर वाला। तो RX100 के लिए 115 लगता है? RX100 में 115 135 के लिए 135 के अंदर 165। अच्छा कुछ कचरा है क्या इसके अंदर? हाँ क्लीन किया था आपने लास्ट टाइम। एज यू कैन सी राइट नाउ इट्स डाउन, तो लेवल अभी फिलहाल तो ऑयल है नहीं ज़रा भी। एज यू कैन सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, नेवर नेवर एवर फॉरगॉट टू यूज़ टूटी ऑयल। वी ऑलवेज हैव टू फिल द ऑयल टैंक विद द टूटी ऑयल। अगर ये पूरा खाली है और सिर्फ पेट्रोल के साथ ऑयल डाल के चलते हो तो वो कोई भी स्पीड हो वो उतना ही लेगा। अगर ये टूटी ऑयल भरा हुआ है तो वेरियस स्पीड पे वेरियस ऑयल वो जिस इंजन को जितना ऑयल चाहिए वो यहाँ से इंजेक्ट कर लेगा। एज यू कैन सी लेवल इज फुल राइट नाउ, ऑयल टैंक लेंस। या एक बार ऑयल डालने के बाद इसको चेक कर लेना चाहिए पंप के अंदर ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं अच्छा, तो टूटी ऑयल खाली है और उसको भरने के बाद भी ये ऑयल पंप को चेक कर लेना चाहिए कि ऑयल वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो ये लाइनर का ये ब्रेक लाइनर, ब्रेक लाइनर है या नहीं कैसे पता चलेगा? ये अभी है ये लाइनर, इसका जो ऊपर मेटल होता है ना ये, ओके ये ऊपर ये थोड़ा होता है ओके ये होता है, ये पूरा घिस जाता है, ये पूरा घिस गया हुआ जितना जैसे इसकी कैपेसिटी कितना। ओके अभी है इसका अपना, अभी इतना है ये तो चल जाए, इतने ज़्यादा होता है ये पूरा घिसते घिसते एकदम पतला हो जाता है यहाँ से, तो पूरे ब्रेक इसको वर्किंग अच्छा। करते हैं तो ये खुलता है, इस तरह ही होता है, जब ब्रेक करेंगे तो ये होगा। अच्छा तो इसको भी ऑयल करना पड़ेगा तो वो स्मूथ ग्रीसिंग ऑयल करके और इसको क्लीन करता है पेपर से। अच्छा साइड पेपर कम्प्लीट कर दे पेपर जिस तरह क्लियर कम्प्लीट हो जाएगा। ऑल्सो नीड टू क्लीन ड्रम, ये ड्रम क्लीन ड्रम इसको ड्रम को भी क्लीन करना पड़ेगा, ड्रम को थोड़ा ये रफ करके पेपर से।
डेफिनेटली अनवर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन माय वीडियो, वो डायरेक्टली मैं अनवर भाई से कन्वर्सेशन करके आपको बता दूंगा जो भी हो सकता है. चलिए अनवर भाई, मिलता है. थैंक यू. हाँ, बाइक इज़ रेडी राइट नाउ. अभी मैं निकलूंगा कहीं पर, राउंड लगाऊंगा, चेक करूंगा, देन आई विल कम टू द कंक्लूजन क्या फ़र्क पड़ा है. आप सबकी चहेती RX100 इज़ रेडी. So if you like this video, please do comment, like, share, subscribe. Thank you so much for all love and support. We had crossed 5599 subscriber mark. It all happens because of you. Milte hain next vlog ke andar.